बात करने वाले हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन बच्चों को क्यों होता है, बच्चे क्यों रुक रुक के पेशाब करते हैं, या फिर बच्चे कई घंटों तक पेशाब नहीं करते हैं, या फिर बच्चे बार बार टॉयलेट जाते हैं, इसका क्या रीज़न होता है, इस टॉपिक पर हमें जानकारी होना चाहिए जिससे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके और किस केस में हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो इसी टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर बच्चा एक साल से छोटा है और बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन होता है तो बच्चा नहीं बता पाता है, वहीं अगर बच्चा दो साल से बड़ा है, अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो बच्चा ईजिली बता सकता है, उसे कहाँ पे दर्द हो रहा है आपको एक्सप्रेस कर सकता है। वहीं छोटे बच्चों में ये इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा कम पेशाब करता है तो इसके कई सारे कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को यूटीआई इन्फेक्शन ही हो। कई बार बच्चे जो हैं वो पानी कम पीते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो भूखे रह जाते हैं, सही से दूध नहीं पीते हैं, जिस कारण बच्चे जो हैं कम टॉयलेट करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं ये बच्चा इतना टॉयलेट कम क्यों कर रहा है, कहीं ये यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और तो कारण नहीं है। ऐसे में आपको बच्चे को जो प्रॉपर दूध पिलाना है, हर दो घंटे बाद आपको बच्चे को दूध देना है। अगर बच्चा दो साल से छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग या जो आप जो भी फॉर्मूला मिल्क देते हैं वो हर दो घंटे बाद दीजिए। वहीं अगर बच्चा सिक्स मंथ से बड़ा है तो आप उसका सॉलिड भी स्टार्ट हो जाएगा, देन आप मिल्क तो देते हैं, आप दो तीन घंटे में एक बार उसको थोड़ा थोड़ा चम्मच में उसको पानी पिला सकते हैं। तो अगर यूरिन कम वो कर रहा है पास, उसके बाद अगर प्रॉपर वो सही से लेगा, डाइट लेगा, सही से पानी पिएगा, सही से मिल्क पिएगा, तो उस केस में बच्चा जो है टॉयलेट टाइम से करेगा। लगभग 7 to 8 टाइम्स जो है वो दिन में वॉशरूम करता है। अगर उससे कम करता है तो उस केस में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और बच्चे को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको कुछ ना कुछ जूस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में कुछ ना कुछ बच्चे को देते रहें। अगर इसके बाद भी बच्चा जो है सही से टॉयलेट नहीं कर रहा है, खुल के जो पेशाब है वो नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। वहीं जब बच्चा रुक रुक के पेशाब करता है या फिर कई बार पेशाब करता है, बच्चे को पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता है, तो उस केस में तो आपको ये देखना है जब बच्चा पेशाब करता है उसका जो टॉयलेट है उसका कलर कैसा है, वो कहीं डार्क पीले रंग की तो नहीं है, या फिर उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर बच्चे की जो पेशाब है वो ट्रांसपेरेंट और लाइट येलो कलर की है, इट मीन्स बच्चे में कोई इन्फेक्शन नहीं है। वहीं अगर आपको लगता है बच्चे की जो पेशाब है वो बहुत ही डार्क कलर की है और उसमें स्मेल भी आ रही है, तो उस केस में हो सकता है बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो। लेकिन इसमें भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो डायपर पहनता है और डायपर में माँ को आइडिया नहीं हो पाता है, क्योंकि जब उसको वो रात भर डायपर पहनाए रखती है जब, तो उसमें वो जाहिर सी बात है वो फिल भी हो जाता है, तो उसमें स्मेल भी आती है। या फिर दिन में भी लगभग 4 to 5 घंटे एक डायपर को अगर बच्चा पहना है तो उसमें स्मेल आने लगती है, तो वो कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। जो डायपर है आपको हर 3 घंटे में चेंज करना होता है। कई बार रुक रुक के पेशाब आने का मतलब ये भी होता है, क्योंकि जब बच्चा डायपर पहनता है, कई बार जब हम बच्चे को डायपर उसका छुड़वाते हैं तो बच्चा जो है वो, क्योंकि डायपर में उसे कंफर्टेबल होता है, वो इजीली कर लेता है, जब आप उसको छुड़वाएंगे डायपर हटाएंगे तो बच्चा जो है वो जो टॉयलेट है वो एक साथ नहीं करता है, इसलिए वो रुक रुक के भी कर सकता है। तो उस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको बच्चे को टाइम से पूछना पड़ेगा कि आपको टॉयलेट आई है। अगर फिर भी आपको लगता है फिर भी बच्चे को रुक रुक के पेशाब आ रही है, डायपर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है। बच्चा रुक रुक के पेशाब तो कर ही रहा है या फिर बच्चा बार बार पेशाब कर रहा है, तो उस केस में जो बच्चे को है वो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप डॉक्टर के पास आपको जाना है। देन आपको ये भी चेक करना है कहीं ये डायपर की वजह से तो नहीं है। अगर बच्चा रुक रुक के पेशाब कर रहा है या फिर कई बार दिन में पेशाब कर रहा है, तो उसके साथ साथ बच्चे को जलन हो रही है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, उस केस में आपको कोई वेट नहीं करना है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है। कोई होम रेमेडीज नहीं अपनानी है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन अगर फैल जाता है तो और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है।
यूरिन इन्फेक्शन एक्चुअली जब बच्चे के ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से बच्चे जो हैं उनको टॉयलेट करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर बच्चे जो हैं टॉयलेट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बार बार करते हैं, तो ये सारे इन्फेक्शन हैं। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी देना है, जैसे जब आप डायपर पहनाते हैं, जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज करते हैं, उसको आप सूखे कपड़े से अच्छे से ड्राई कर दें, और जब इंटरनल पार्ट सूख जाए, प्राइवेट पार्ट सूख जाए, उसके बाद बच्चे को डायपर पहनाएं। कई बार डायपर के कारण भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, और प्राइवेट पार्ट को थोड़ी सी हवा खोल के रखिए, जिससे बच्चे को जो है ड्राइनेस मिले, ऐसे में इन्फेक्शन नहीं होता है। वही अगर बच्चे को हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाए, तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो होम रेमेडीज़ हैं, वो भी आप अपना सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं वो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप जो है हींग, गुनगुने पानी में हींग थोड़ा सा गर्म कर लें, और जब वो लेप बन जाए हींग और पानी का, मतलब एक चम्मच पानी लें, उसमें एक चुटकी हींग डाल लें, देन उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, और उसके बाद गुनगुना जब हो जाए, आप बच्चे के जो नाभि है उसके चारों ओर लगा दें, इससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट नुस्खा है, आप एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा उसका जेल भी, जो लीप अगर आपको नेचुरल मिल जाए, जो उसका पेड़ होता है उसके पत्ते लेकर उसका जो जेल निकाल लें, उसको थोड़ा सा बच्चे को सुबह शाम खिला दें, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है जब यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा आप बच्चे को खीरे का रस पिला सकते हैं, उसमें हल्का सा लेमन डाल के, ईजिली बच्चा पी लेता है। और बच्चे को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चा जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड यानी पानी पिएगा, लिक्विड चीज़ें पिएगा, उतना ही बच्चे को खुल के जो है पेशाब होगी। इसके अलावा बच्चे को, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो हर 2-2 घंटे में बच्चे को मिल्क पिलाना ज़रूरी है, जिससे बच्चा भूखा ना रह जाए, भूखा होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल होता है, उसको ज़रूर हिट करिए, जिससे आपको मेरे न्यू अपडेट मिलते रहें। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।